सो हे गाइस नमस्कार, मेरा नाम है अनिश रॉय। तो यार आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आप कैसे अपने ब्रिक डिवाइस को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड लिखा यार दे रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेस पावर बटन टू शट डाउन देखने को मिलता है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और इसको कैसे फिक्स करना है, क्या करना है, नहीं करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस जितने भी यूजर्स हमारे चैनल में नए हैं, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सको, क्योंकि ऐसे वीडियोस, ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहते हैं मेरे चैनल में। और गाइस मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भाई इस वीडियो के बाद किसी का भी प्रॉब्लम जो एकदम सॉल्व हो जाएगा ये वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि भाई अपना प्रॉमिस है, भाई अपना वादा है। और अगर आपका जो डिवाइस है वो अनब्रिक होता है, देन आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं होता है मत करो भाई। मैं जो भी है एकदम जेन्युइनली बताता हूँ, और भाई सब कुछ मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि एक्सेलेरोमीटर होता क्या है। कुछ कुछ यूजर्स का, कुछ कुछ डिवाइसेस में अनब्रिक नहीं होता है, किसी किसी यूजर्स का पीसी जो है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, जिसके कारण जो है सब कुछ देखने को मिल जाता है। सब कुछ मैं जिस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर भाई बोलोगे कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा बोलोगे, कमेंट सेक्शन में स्पैम करोगे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो गाइस होगा भाई, सब कुछ होगा, आप एक बार वीडियो को ला सकते देखो। सो गाइस मेरा नाम अनिश रॉय, यू आर वॉचिंग टेक्नो प्रभु, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइस चला है हम लोग पीसी के स्क्रीन पर, और आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे मैंने ब्राउजर को ओपन किया है, आप कोई भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हो। सो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मी फ्लैश टूल है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो जिसे आप फ्लैश करोगे अपना जो फाइल है, ठीक है, फाइल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो मी फ्लैश टूल का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो भाई अभी एक एक वर्जन जो है अलग अलग काम करता है, तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक एक करके इंस्टॉल करके पहले देखो कि भाई वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई करो, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं एमआई फ्लैश टूल को। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे इसके ऊपर वाले जो आइकन है वहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जगह ये डाउनलोड स्टार्ट हो पाएगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। इसके जो फोल्डर है इसको ओपन करोगे, देन आपको थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको Xiaomi Flash.exe का एक सेटअप देखने को मिलेगा, इसको सिंपली क्लिक करके सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद आपको दोबारा यहाँ पे ब्राउजर में आना पड़ेगा, ब्राउजर में आने के बाद सिंपली आपको एक अलग से एक पेज खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना पड़ेगा फास्टबूट रोम लेवेंडर। सो गाइस अगर आपका दूसरा कोई डिवाइस है, जैसे कि मेरा रेडमी नोट 7 है, तो गाइस मैं लेवेंडर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो दूसरा कोई भी डिवाइस का कोड नेम यूज़ कर सकते हो जो कि आपका डिवाइस है, ठीक है, सिंपली उसको क्लिक करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास जो पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा Xiaomi फर्मवेयर अपडेटर .com, उसमें जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जो स्क्रॉल करोगे तो देन आपको यहाँ पे फास्टबूट और रिकवरी दोनों का ही रोम आपको देखने को मिलेगा, आपको सिंपली फास्टबूट रोम ग्लोबल वर्जन को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका इंडियन वर्जन है देन कोई बात नहीं, आप इंडियन वाला भी डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस क्योंकि मेरे पास पहले से एक बहुत पुराना एक फास्टबूट रोम है उसको मैंने डाउनलोड कर रखा था, तो गाइस मैं यहाँ पे लेटेस्ट वाला डाउनलोड नहीं कर रहा था। अगर आपको चाहिए आप डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो और फ्लैश कर सकते हो यहाँ से लेटेस्ट वाला। सो गाइस डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको विन आर आर का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपके पास पहले से कोई भी ऐप है देन डेफिनेटली अच्छी बात है, ठीक है, आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है 15 मिनट के अराउंड, तो गाइस वेट करेंगे थोड़ा सा। तो गाइस अभी क्या करेंगे, इसको सिंपली कॉपी करके हम सी ड्राइव में लेके चले जाएंगे, क्योंकि सी ड्राइव में ही जो है यहाँ पे फ्लैश और जो है डिटेक्ट कर पाता है कंप्यूटर या फिर पीसी, आप जो भी बोलो आपका विंडोज़ का कंप्यूटर देन डेफिनेटली अच्छी बात है। सिंपली आपको यहाँ पे लोकल डिस्क वाले सी वाले फोल्डर में जाके, सी वाला ड्राइव में जाके पेस्ट कर देना है, वहीं पर आपको जो है ये डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। सो गाइस अभी फिर से आपको वहाँ से वापस से आपको मी फ्लैश टूल में जाना पड़ेगा। अभी आपके फ़ोन को सिंपली फास्टबूट मोड में डाल के सिंपली यहाँ पे पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है टाइप सी के केबल से, और केबल अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सो गाइस इस एप्लीकेशन के नीचे थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लीन ऑल एंड लॉक देखने को मिलेगा एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव यूज़र डेटा, और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लीन ऑल। तो यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली वो जो क्लीन ऑल वाला ऑप्शन है उसको सिंपली क्लिक करके इसको यहाँ पे ऊपर जाके जो फाइल है जहाँ पे फोल्डर आपने रखा है सी ड्राइव में वहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे रिफ्रेश करके फ्लैश कर देना है, तो हम वही करेंगे। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो है अभी काम हो रहा है, आप देख सकते हो कि मैंने जैसे फ्लैश के बटन पर क्लिक किया वैसे प्रोग्रेस बार जो है यहाँ पे जो है 5 सेकंड 10 सेकंड दिखा रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे अपना फ़ोन बूट होने तक।
सो कैसे आप देख सकते हो कि फ़ोन का बूट लोगो आ चुका है। आप देख सकते हो फ़ोन बूट हो रहा है और यहाँ पे ऊपर अभी भी यहाँ पे 490 सेकंड्स जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ आपको ऐसे ही बस फॉल्स मार रहा है। एक्चुअली कुछ कुछ पीसी में ऐसा होता है, जैसे कि मेरे पीसी में ऐसा हो रहा है, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ अभी, क्योंकि जो रोम है वो एकदम परफेक्टली बूट हो रहा है। एक बार फ़ोन बूट हो जाने से आप सिंपली उस एप्लीकेशन को भी क्लोज कर सकते हो अपने पीसी में जो एप्लीकेशन आपने रन किया था, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कि MIUI 11 का लोगो आ चुका है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। इसको सिंपली हम सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई फोन चलता है कि नहीं चलता है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो फोन है वो परफेक्टली बूट हो चुका है। और भाई यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कोई भी पासबूट रोम को फ्लैश करते हो। सबसे पहली चीज़ तो आपको एकदम जो है परफेक्ट मी फ्लैश टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी में। आपका अगर लेटेस्ट वर्जन वर्क नहीं कर रहा आपके पीसी में, देन आप सेकेंड वाला पुराना वाला जो वर्जन है कोई भी एक ट्राई करो, एक एक करके इंस्टॉल करो, देखो कि कोई भी एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी जो है सॉफ्टवेयर के लिए भी एरर आता है। अगर आपका पीसी लो एंड है या फिर एकदम ही पुराना डिवाइस है, तो गाइस आप पुराना वाला इंस्टॉल करके एक बार देख सकते हो, ठीक है। वो गई पहली बात। दूसरी बात तो यहाँ पे अगर आपका डिवाइस जो है वो फास्ट बूट रोम में अटक रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, देन आप एक बार जो है आपका ड्राइव जो है वो चेंज कर लेना। मान लीजिए अगर आपका सी ड्राइव है तो वही बहुत ही बढ़िया है, हमेशा आप सी ड्राइव में रख के ही फास्ट बूट रोम को फ्लैश करना, ठीक है। फास्ट बूट रोम का जो फोल्डर है वो आपको सी ड्राइव में पेस्ट करना पड़ेगा, फिर सी ड्राइव से आपको वहाँ पे लोकेट करके फ्लैश करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे कोई भी एरर दिखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़, आपका यहाँ पे जो ड्राइवर वगैरह है वो अच्छी तरीके से इंस्टॉल होना चाहिए इस प्रोसेस के दौरान, वरना आपका जो यहाँ पे डिवाइस रिजेक्ट नहीं होगा और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस यही था कुछ चीज़ है जो कि मुझे बताना था आपको इस वीडियो में। बहुत सारे यूजर जो है यहाँ पे पागल हो चुके हैं कि भाई अगर एक बार ब्रेक हो जाता तो देन आप यहाँ पे कैसे इसको सही कर सकते हो। और भाई मेरा जो रिव्यू है, मैं हर वक्त ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, और ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू के लिए ही भाई आप लोग मेरे चैनल पर हो इतने सालों से। और भाई यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भाई आपका हर एक जो है जितना भी डिवाइसेस है, जितने भी डिवाइसेस के लिए आप भुगते हो, वो सब आप इस वीडियो को देख के एक बार समझ गए होंगे। सब प्रॉब्लम का यहाँ पे समाधान मैंने दे दिया है। और भाई ये जो मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैंने 1 साल 2 साल यहाँ पे रन किया, लेकिन भाई हर वक्त जो है यहाँ पे मैं भी नाकाम हो रहा था, लेकिन भाई यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया जो फैक्ट है, जो हर कोई नहीं बताता वो आज इस वीडियो में मैंने बताया है। तो गाइस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब ऑब्वियसली कर लेने को, कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में हमेशा बनाते रहता हूँ अपने चैनल में। और यहाँ पे कस्टम रोम रिव्यू और पोर्ट रोम जितने भी रोम्स या फिर मैजिक्स मॉडल्स का रिव्यू है, सब कुछ मैं अपने चैनल पर देता हूँ। तो गाइस डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा है। सो गाइस एक लाइक जरूर कर देना अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो या फिर आपका जो है अनब्रेक हो चुका हो। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।